साहब, जो नॉन बिलीवर तबका है और जो साइंस को ही सब कुछ मानता है, उस तबके का जो तर्क है वो ये है कि ये सारी चीजें जो बनी, जिन चीजों का आपने जिक्र किया, ये सब बिग बैंग थ्योरी से हुआ। जब बिग बैंग थ्योरी हुई, एक धमाका हुआ, सारी चीजें मुनफरिद हो गई और वो अपनी जगह फंक्शन करने लगी। कई सारे एथियस्ट ये थ्योरी को पुट फॉरवर्ड करते हैं, कहते हैं कि देखो ये धमाका जब हुआ तो धमाके के इम्पैक्ट से सारी चीज़ें जो अलग हुई, सूरज अलग हुआ, चांद अलग हुआ, ज़मीन अलग हुई, और अलग हो के सब अपना अपना काम करने लगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मान लीजिए कि एक ऐसा गार्बेज डंप है जहाँ पे सारी पुरानी पुरानी मशीनें डंप की हुई है, पुरानी गाड़ियाँ, पुराने फ्रिज, पुराना टीवी, पुरानी सारी चीज़ें डंप है। वहाँ पर अगर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए और अगर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में हम वहाँ जाएँ मुआयना करने, चेक करने, तो हमें क्या दिखेगा? उनके पुर्जे पुर्जे टुकड़े टुकड़े देखेंगे, पीसेस में जितने देखेंगे, पार्ट्स से सबके स्प्लिंटर्स स्प्लिंटर्स या टूटे फूटे हाँ सब ऐसे बुरे हाल में देखेंगे। मिलेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो धमाके के बाद, उसे मैं बिग बैंग कहूंगा अभी मिसाल के लिए, हाँ छोटा वो बिग बैंग। धमाके के बाद ऐसा हो सकता है कि वहां गए हम, दिखा गए उससे, धमाके से फ्रिज बन गया था या एक नई गाड़ी बन गई थी, या वो धमाके से टीवी सेट नया निकल के आ गया? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, वो और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हालत में होगा और डिस्ट्रक्टिव हालत में होगा। जी। कितने भी बिग बैंग हम क्यों ना कर लें, वैसे धमाके क्यों ना कर लें, वो धमाके का एंड रिजल्ट ये टीवी निकल ही नहीं सकता, जी ये नई गाड़ी निकल गई एक, या एक नया फ्रिज निकल आया, अच्छा वो धमाके से, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि धमाके से डिस्ट्रक्शन होता है। धमाके से इस तरह से बिल्कुल मेटिकुलस एक्यूरेट, इतना एक्यूरेट कि बिल्कुल कैलकुलेशन पर, आज साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं कि सारी चीजें इतनी एक्यूरेटली फिट है कि वो सही जगह पे नहीं, वो तो रैंडम ऑर्डर में भी हो सकती थी, लेकिन वो इतनी एक्यूरेटली फिट है कि वो अपने ऑर्बिट में परफेक्ट मोशन के साथ, कि चांद जमीन के गोल गोल घूम रहा है, जमीन सूरज के गोल गोल घूम रही है, सूरज मिल्की वे गैलेक्सी में गोल गोल घूम रहा है, गैलेक्सी क्लस्टर में गोल गोल घूम रही है, क्लस्टर्स एक दूसरे के साथ अलग अलग गोल गोल घूम रहे हैं, पूरे यूनिवर्स में हर चीज घूम रही है, फिर भी कोई चीज दूसरों से टकरा करके खत्म नहीं हो गई आज तक, इतने सालों से ये चीज चल रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, चाहे कितने भी धमाके क्यों ना हो जाए। हमने देखा कि कुछ साइंटिस्ट ने ये पुट फॉरवर्ड किया है, कहा कि नहीं, हो सकता है दूसरे यूनिवर्सेस रहे हो जहां पे ये बिग बैंग्स हुए हो। तो कहाँ है भाई ये यूनिवर्सेस, जो फेल्ड यूनिवर्सेस कहाँ है? ये बिल्कुल नहीं, ये एक इम्पॉसिबिलिटी है। एक और मिसाल देता हूं, मान लीजिए एक पेंट की फैक्ट्री है जहां पर बहुत सारा पेंट, पेंट के डब्बे वगैरह सब पड़े हुए हैं। अब वहां अगर धमाका हो जाए, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, तो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद हमें क्या मंजर मिलेगा, एक अंदाजा लगाइए। हर तरफ कलर ही हर कलर्स, तरफ कलर उड़े हुए हैं, हाँ हर देख रहे तरफ होंगे कलर स्प्लैटर्ड है। या क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम वो धमाके के बाद जाके देखते हैं तो हमें दिखा कि वो जो कलर उड़ा तो ऐसा उड़ा कि एक एनसाइक्लोपीडिया छप करके पड़ी हुई है रेडी? नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं नहीं क्यों नहीं पॉसिबल है? इसलिए पॉसिबल नहीं कि वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज या कोई बहुत ही वेल प्लान्ड चीज उससे नहीं बन सकती है। एनसाइक्लोपीडिया छपने में पहले तो रिसर्च होती है, फिर उसका कंपोजिशन होगा, उसको प्रूफ रीडिंग होगी, उसकी डिजाइनिंग होगी, उसकी फिर प्रिंटिंग होगी, बाइंडिंग होगी, कितने सारे स्टेजेस हैं। अब अज्यूम करना कि वो धमाके से ये बन गई, तो ये अगर कोई मानता है कि नहीं मैं मानता हूं कि बन गई थी, तो ये एक ब्लाइंड बिलीफ नहीं है तो क्या है? बिल्कुल, तो इससे बहुत ही हाई लेवल का ब्लाइंड बिलीफ है कि कोई इंसान मानता है कि वो बिग बैंग से पूरा यूनिवर्स ऐसे बन गया। यानी इससे सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता।